दर्शकों, मैं दीपाली ऐसे न्यूज की टीम की तरफ से पहुंची हूं सतलोक आश्रम खमानो पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। आज समागम का दूसरा दिन है। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे महान संत है जिन्होंने हमें हमारे वास्तविक घर की जानकारी दी है, मानव जीवन को नई दिशा दी है और जीवों को काक से हंस बना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य हैं जो कि आप देख सकते हैं, विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से जाति बाति के भेद को मिटाना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना। आइए अब हम अंदर चलते हैं और अंदर की तैयारियों को देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ माइयों बहनों की सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। यहाँ से जो भी श्रद्धालु अंदर आते हैं उनकी पूरी प्रॉपर चेकिंग की जाती है। यहाँ पर नशीली वस्तुएं लाना सख्त मना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था को संभाला जा रहा है। बहनों की व्यवस्था अलग की गई है और भाइयों की व्यवस्था अलग की गई है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पे व्यवस्था को चलाया जा रहा है, या बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे हैं कि सभी सेवादार अपनी सेवाओं में हैं और यहाँ पे किस प्रकार से प्रॉपर वे में गाड़ियाँ पार्क की गई हैं। नमस्कार सर साहिब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता दासी है जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आप किस प्रकार से सिक्योरिटी की व्यवस्था को संभाल रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे गुरु जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है, जहाँ अमृतवाणी चल रही है, गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी चल रही है, 3 दिन का अखंड पाठ है। तो इसके उपलक्ष्य में हमारी सिक्योरिटी की सेवा मिली है हमें। तो हमारे जो गुरु जी का उद्देश्य है कि हमने नशा मुक्त भारत बनाना है, पूरी दुनिया को ही नशा मुक्त करना है। तो उस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे हैं कि हमारे गुरु जी के आदेश अनुसार हम लोग यहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था में इसलिए खड़े हैं कि कोई भी कोई भक्त आत्मा कोई आती है, कोई नशीली वस्तु ना लेके आए, जिससे हमारे जो अखंड पाठ है उसकी शुद्धता में कोई अपवित्रता आए। इसलिए हम लोग इस सिक्योरिटी की सेवा में यहाँ हाजिर हैं जी। हम यहाँ पहुँचे हैं जूता घर में, जहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं दूर दूर से, उनके जूते यहाँ पे जमा किए जाते हैं और बदले में उन्हें यहाँ पे टोकन दिया जाता है। जब श्रद्धालु वापस जाते हैं तो वह टोकन दिखाकर अपने जूते लेकर जा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितने व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे जूते हैं जो रखे जाते हैं। नमस्कार सत साहब जी, क्या नाम है आपका? गुरमुख दास जी। आप कहाँ से आए हैं? मोगा से जी। आपकी यहाँ पे क्या सेवा लगी हुई है? जूते कर दी सेवा जी। आप किस प्रकार से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? इतने जी जदों भी संगत आती है उन्होंने इतने जुते जमा करके तो उन्होंने टोकन दिता जाता है। इतने पूरी चंगी तरह संभाल के रखा जाता है जुत्या, तो फिर जो संगत मतलब जान लगते आपके वापस जाते हैं तो उन्होंने तो टोकन लेके उन्होंने जुते वापस दिते जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितनी सुंदर सजावट की गई है समागम में। यहाँ पे कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे ये फूलों को सजाया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितना सुंदर दृश्य है, कितना भव्य और अलौकिक दृश्य है यहाँ का। कितनी ज़्यादा सुंदर सजावट की गई है आप देख पा रहे हैं। अध्यात्म की जिस अंशुल जी गुत्थी को आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक महर्षि संत महंत तक नहीं सुलझा पाए, ऐसे अंशुल जी ज्ञान को सुलझाकर समाज सुधार का मूल मंत्र देने वाले सादगी युक्त महापुरुष संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम खमानो पंजाब में यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। आइए अब हम देखते हैं अंदर चलकर कि यहाँ पे किस प्रकार से प्रदर्शनी लगाई गई है और किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आइए अब हम देखते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सभी शास्त्रों के से प्रमाणित सदग्रंथों से यहाँ पे जो संत रामपाल जी द्वारा बताए गए प्रमाण हैं उनके फोटोज भक्तों के द्वारा लगाए गए हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। संत रामपाल जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। उन्होंने सभी शास्त्रों से प्रमाणित ग्रंथों से ये सिद्ध कर दिया कि एक परमेश्वर की हमें भक्ति करनी चाहिए, जिससे जिनकी सत्य साधना करने के बाद हम एक ऐसे लोक में जा सकते हैं जहाँ पे जन्म मरण नहीं है, वहाँ पर कोई शोक नहीं है, वहाँ पर मृत्यु नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पुस्तकें रखी गई हैं प्रदर्शनी में, श्री भविष्य महापुराण, श्री रामचरितमानस, ब्रह्म पुराण, यहाँ सभी शास्त्रों की पुस्तकें प्रदर्शनी में रखी गई हैं।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुरान मजीद से भी प्रमाण दिखाए गए हैं। संत रामपाल जी सर्व शास्त्रों को खोलकर हमें सद्भक्ति बताते हैं, वो सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं हमें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और प्रदर्शनी में देख रहे हैं, वो पुस्तकों को देख रहे हैं और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी के शिष्य हैं जिनकी यहाँ पे सेवा लगी है, वह श्रद्धालुओं को इस प्रदर्शनी की जानकारी दे रहे हैं, पोस्टर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार सर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा है रित। आप कहाँ से आए हैं? मैं समराला से आई हूँ। आप यहाँ प्रदर्शनी में आए हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मुझे ये प्रदर्शनी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जो जो उनके यहाँ पुराण पढ़ा है, कोई गुरु जी की साखी पढ़ी है, गुरु नानक देव जी की साखी, जो गुरु जी बताते हैं वो इनमें है। सच पर नाम जो बताते हैं ना, वो अपने सत्संग में सुनाते हैं, वो इसमें सारा कुछ उन्होंने खोल के बताया हुआ है, वही उन्होंने आज प्रदर्शनी लाई हुई है, जिसमें बारे हमें बाहर उनसे गुरु जी से पता लगता था। अब हमें बुक पढ़ी है, उसके सामने वही है जो गुरु जी अपने सत्संग में बताते हैं। नमस्कार सत्साहेब जी, क्या नाम है आपका? हरभजन दास। आप कहाँ से आए हैं? हम मालपुर हुशियारपुर से आए हैं। आपकी यहाँ पे क्या सेवा लगी है? यह दास की सेवा यहाँ पर लगी है। ये जो हम आप देख रहे हैं ना, सब फ्लैक्स लगी हुई है, ये सभी ग्रंथों के प्रमाण है, जिसमें लिखा हुआ है भी कबीर साहब परमात्मा है। हमारी ये सेवा लगी है, ये प्रमाण हम सभी आने वाले भक्तों को और नए जगत के लोगों को भी दिखाते हैं कि आप अपने धर्म ग्रंथों में देखें, ये प्रमाण देखें कि परमात्मा कौन है, और उस परिपूर्ण परमात्मा की को ही हम पाने के लिए घूमते हैं, भटकते हैं, और वो जहाँ पर हमें मिलेगा परमात्मा, हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है अभी परमात्मा कबीर साहब है, हम उसकी शरण में जाएंगे तो हमें सभी लाभ मिलेंगे। नमस्कार सर साहब जी, क्या नाम है आपका? हेमंत दास नाम है मेरा। आप कहाँ से आए हैं? मैं पीछे से तो मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर से, पर मैं मोहाली में जॉब करता हूँ, तो मोहाली से मैं यहाँ पे आया हूँ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं? हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी जब भी सत्संग करते हैं वो कंप्लीट वेद पुराण रख के सत्संग करते हैं, वो सारा सिखाते हैं, बताते हैं। तो ये समागम चल रहा है तो इसमें पूरे जगत को भी इनवाइट किया गया है, निमंत्रण पत्र भेजा गया है, तो वो जो भी जगत के लोग आए तो वो उनको ऐसा ना लगा कि जो भी गुरुजी परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी ज्ञान बताया है तो वहाँ पे ही वेरीफाई कर सके। हमारे जितने वेद हैं, जितने ग्रंथ हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, ये सारे बाइबल हैं, कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ हैं, ये सारे धर्म ग्रंथ यहाँ पे प्रदर्शनी के रूप में रखे गए हुए हैं, और यहाँ पे काफ़ी भगत, काफ़ी जगत के लोग आए भी हैं और उसको वैलिडेट किए हैं, ये पुस्तक में देखे हैं, वैलिडेट किए हैं, उसके बाद तो फिर उनको बहुत अच्छा माल भी लगा है, उनको हम फिर ले जाके भंडारा कराए हैं, परमात्मा के दरबार में दंडवत किए हैं। परमात्मा की कृपा से बहुत बहुत ही, मतलब इसको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते कि कितना बड़ा, जो लोग आए हैं, जो उनका रिएक्शन हुआ है, जो रिएक्शन दे रहे हैं वो बहुत ही, मतलब कि ना बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुंदर उनका, मतलब कि कहने का तात्पर्य था कि बहुत ये इतना ऐसा अनमोल ज्ञान मुझे मिला नहीं, तो बहुत ही परमात्मा के परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, असीम दया से बहुत ही, मतलब सुंदर समागम चल रहा है। नमस्कार सत्साहेब जी, क्या नाम है आपका? राजकुमारी दासी। आपकी यहाँ पे क्या सेवा लगी हुई है? जी हमारी यहाँ पे प्रदर्शनी में सेवा लगी हुई है कि हम किस तरह से जगत वालों को ज्ञान समझाए, संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया हुआ है, किस तरह से सारे वेद ग्रंथ प्रमाण खोल खोल के हम, जो संत रामपाल जी महाराज ने ट्रांसलेट करके रखा हुआ है, किस तरह से हम उन्हें बताए, इन सब के बारे में हमारी यहाँ पे समझाने में सेवा लगी हुई है। आपसे श्रद्धालु किस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं? ज़्यादातर हमसे श्रद्धालु इसी तरह से प्रश्न करते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ का प्रमाण है, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तकें लिख दी, वो सारी हमारे वेद पुराण ग्रंथों में से लिखी है, तो उस तरह से श्रद्धालु वो चीज़ देख के यहाँ पे आते और पूछते हैं कि प्रमाण कहाँ पे है, हमें दिखाइए, और हम वही प्रमाण, हमारे जो वेद है, पुराण है, गीता है, वो खोल खोल के सारे प्रमाण हम दिखाते हैं कि ये यहाँ पे ये इस तरह से लिखा हुआ है सारा। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? दास राम सिंह। आप कहाँ से आए हैं? खन्ना पंजाब।
की यहाँ पे क्या सेवा लगी हुई है? हमारी सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से भंडार घर में व्यवस्था करने की ड्यूटी लगी है। यहाँ पर डेली 800-850 भक्त एक ही बार में भंडारा करते हैं और पूरा 3 दिन में रोज 5000 भक्त आते हैं और 3 दिन में 15-16 हज़ार भक्त हो जाते हैं। ये 3 दिन का पाठ होता है, गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ है। सतगुरु रामपाल जी महाराज 3 दिन में देश की का भंडारा है। माइयों की अलग व्यवस्था है, भाइयों की अलग व्यवस्था है और गुरु जी की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से माइयों की तरफ भी 13 आइटम है और भाइयों की तरफ भी 13 टाइप की आइटम है और ये भंडारा बिल्कुल निःशुल्क है। और हम आपके जितने भी चैनल वाले हैं चाहे जितने भी आपके चैनल को देखते हैं सबको कहते हैं कि यहाँ पर आइए, सतगुरु रामपाल जी महाराज के भंडारे की व्यवस्था देखिए। जी धन्यवाद। सतसाहिब जी, क्या नाम है आपका? प्रबलीन दासी। आप कहाँ से आए हो? मंडी गोविंदगढ़ जिला फतेहगढ़ साहिब। यहाँ पे आपकी क्या सेवा लगी हुई है? यहाँ हमारी बर्तन सफाई की सेवा लगी हुई है। संत रामपाल जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारा किया जा रहा है, 3 दिन का भंडारा है और हम यहाँ पर बर्तन सफाई की सेवा कर रहे हैं। क्या यहाँ पे स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है? जी हाँ, यहाँ पर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं बर्तनों को अपने अनुसार लगाया जा रहा है और बिल्कुल साफ कर ले आया जा रहा है यहाँ पर।